नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। हरीश रावत को कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया है। अब ऐसे में हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन हरीश रावत के बयान से अब लग रहा है कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस बयान को अलग अलग रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये राजनीति का मैदान है, यहाँ हर बयान के पीछे अलग सियासत छुपी होती है। हरीश रावत के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के पीछे क्या रणनीति है, क्या ये भाजपा के खिलाफ नई राजनीतिक चाल है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने, आइए आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में मुख्य चेहरा है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार है। अब ऐसे में अगर वो किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा उनकी घेराबंदी कर देगी और वह उसी चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएंगे। प्रदेश की अन्य विधानसभा सीट पर मेहनत नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि मेरा चुनाव लड़ना ना लड़ना ये सब पार्टी तय करेगी। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी में कहीं कोई विवाद दिखाई दे। उन्होंने कहा, मेरी मजबूरी है कि मेरा नाम सबसे चर्चित नाम है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। साथ ही उन्होंने साल 2002, 2007 और 2012 का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने कहा, इस बार मैं साल 2002 वाले मूड में हूँ, तब भी इतिहास बना था और इस बार भी इतिहास रचने का मौका है। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हरीश रावत अगर चुनाव में जाएंगे तो वह अपनी विधानसभा सीट में ही घिर कर रह जाएंगे, जिस तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ और हरीश रावत को दो विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में अगर हरीश रावत किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ते और प्रदेश भर में पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं और इसका फायदा पार्टी को मिलेगा और गुटबाजी पर भी विराम लगेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो आदेश हाईकमान से मुझे मिलेगा मैं उसका पालन करूंगा, अगर चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो चुनाव भी लड़ूंगा। हरीश रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस में उपज रही गुटबाजी पर भी विराम लगने की गुंजाइश है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस स्थिति में अपने लिए कोई सीट खाली करवा ले। फिलहाल सभी सवालों के जवाब भविष्य में कैद है, लेकिन इस बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।